नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया, पहले हम पवनेंद्र कुमार भैया से उनकी बातें सुनेंगे। पवनेंद्र कुमार भैया असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुरादाबाद, और उनके कॉलेज का जो वैल्यू एजुकेशन से है उसके भैया कन्वेनर है। भैया ने फर्स्ट वर्कशॉप 2017 में किया था और तब से भैया एक एक्टिव वॉलेंटियर के रूप में बहुत सारे एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट में भी अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। तो अभी मैं पवनिंदर भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बातें रखें। ओवर टू यू भैया। नमस्ते सभी को। भैया ने मेरा एक परिचय तो दिया ही है और इसके साथ मैं ऐड करूं तो परिवार में माता जी, पिताजी और दादाजी हैं और दो बच्चे, पत्नी, तो इतने लोग हम साथ हैं। और लेकिन कुछ लोग अलग अलग रहते हैं। जॉब की वजह से मैं यहाँ मुरादाबाद में हूँ और मम्मी पापा और दादाजी अभी बरेली में हैं। तो मैं अपने जो एक्सप्लोरेशन हुआ जब से यूएसबी की जर्नी शुरू हुई 2017 से, तो एक लंबा समय भी हो गया। तो पिछले 4 महीनों में जो बात मेरे को समझ में आई, जो मुझे दिखाई दिया, उसको मैं संक्षेप में यहाँ रख लेता हूँ। तो मानव के रूप में जो मैंने देखा, जो मेरे को स्पष्टता हो रही है, वो कि ये मैं और शरीर का सहअस्तित्व। तो इस स्पष्टता को देखें तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं और धीरे धीरे, और कभी कभी तो ऐसा भी होने लगता है कि ये जो मैं स्पष्ट हो रहा है या फिर अभी कंफ्यूजन में जा रहा हूँ, लेकिन थोड़े समय में फिर वो रिजॉल्व होता है। तो सहअस्तित्व के रूप में देखा तो मैं को सेंटर में ही देखता हूँ। जब ध्यान दिया तो देखा कि जो भी काम मैं करता हूँ वो करता है तो स्वयं जो मेरा इच्छा है या सेल्फ में जो इच्छा बनी हुई है उसके लिए, सुखी होने के लिए ही करता हूँ। बट सुख के बारे में बहुत सारी मान्यताएं बना रखी हैं, उस मान्यता के लिए करते हैं। तो मैं सेंट्रल में हूँ ऐसा तो दिखता है, लेकिन कुछ मान्यताओं के कारण जो मैंने मेरा जीना है वो सेल्फ के लिए ही है, लेकिन मान्यताओं से प्रेरित होते हैं। तो शरीर की आवश्यकताएं हैं, तो आवश्यकताएं तो दिखती हैं, लेकिन साथ साथ में जो मान्यता बस मान रखा है कि शरीर से ही सुख होगा, संविधान से ही सुख होगा, तो ये मान्यताएं दिख रही हैं और धीरे धीरे इनका जो प्रभाव है वो कम भी हो रहा है। और अभी रिसेंटली जो मैंने अपनी कल्पनाशीलता में देखा, मैं काफी चीजों को लेके अपने में थोड़ा सा एक विरोध बना रहता था, आखिर मैं ये सारी चीजें जो कर रहा हूँ वो ठीक ठीक से क्यों नहीं हो रही। जैसे अगर देखें तो मैं हमारे यहाँ जो डायरेक्टर सर और मैनेजमेंट हैं, इनके सामने कोई भी बात जब मैं रखता हूँ तो वो बात को बड़े स्पष्टता से और कॉन्फिडेंस के साथ नहीं रख पाता। तो इसको जबकि अगर बाद में देखें और पहले देखें तो बहुत सारी क्लियरिटी होती थी चीजों की, ये ऐसे रखा जाएगा तो ठीक होगा। तो बाद और पहले से नहीं, लेकिन अगर उनके सामने होते तो बात को ठीक से नहीं रख पाते। तो इस रीजन को मैंने जब फाइंड आउट करने की सोची तो कल्पनाशीलता पर ध्यान दिया तो मान्यताएं कुछ थी, उन मान्यताओं की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो एक मान्यता तो मैंने अपने लिए बना रखी थी कि मैं अच्छा ही हूं। दूसरा, हम जो प्रपोजल की बात करते हैं वहां प्रपोजल की तरह नहीं होता था, एक एक्सपेक्टेशंस मेरे में बनी रहती थी कि ये बात जो मैं रख रहा हूं ये मान ही ली जाए। तीसरी बात ये नजर आई कि मैंने लोगों के बारे में भी ये मान रखा है कि वो ये बात मानेंगे या नहीं मानेंगे वो अपने हिसाब से चलते हैं, ये लोग ठीक नहीं है। अल्टीमेटली देखें तो ये लोग ठीक नहीं है, ऐसी एक मान्यता के रूप में मेरे में बनाया हुआ था। तो वो मान्यता जब पीछे से हावी होती है तो हमारे विचार हैं वो भी उसी मान्यता के अनुसार ही चलते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें रुक जाती थी अंदर ही। तो जैसे ये मान्यता पकड़ में आई, उस पर थोड़ा काम करना शुरू किया, तो अब पहले से बहुत अच्छा है और बात को एटलीस्ट रख पाते हैं और
अगर बात मानी जाती है तो अच्छा है, नहीं मानी जाती है तो दुखी नहीं होते हैं, अंदर से इरिटेशन नहीं होता। ये पिछले कुछ दिनों में मैंने इस चीज को अपने में देखा। तो अब जो डायरेक्टर सर हैं, मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनके प्रति विरोध का भाव बहुत कम हो गया है। अब कहीं ना कहीं ये दिखता है कि उनकी अपनी कुछ प्री कंडीशनिंग है, जैसे मेरी बहुत सारी प्री कंडीशनिंग है ही, तो उनकी भी है। तो ये बात को रखें और इस प्री कंडीशनिंग से दूर होने के लिए तरीका तो डायलॉग ही है जो करना ही पड़ेगा। तो इस बात से बहुत सारा अंदर से एक अच्छा सा फीलिंग बना कि हाँ ठीक है, आगे करते हैं, समय है ही बहुत तेरा, इसको कर लिए। एक तो मान्यता ये मैं अपने में देख पाता। दूसरा, एक मैंने अपनी इमेज को एक सेट कर रखा है, और वो इमेज एक नहीं, बहुत सारी इमेज को देखा मैंने, परिवार में एक है, वर्क प्लेस पे एक है, जब मैं किसी वर्कशॉप में जाता हूँ अपने पार्टिसिपेशन के लिए तो वहां एक इमेज है। तो इस इमेज को टूटने का एक डर भी मेरे अंदर बना रहता था, क्योंकि ये बहुत सारी अलग अलग इमेजेस बना रखी थी। तो ये जब ये इस चीज को देखा कि ये इमेज क्या है और मैं क्या हूं, तो इसमें एक चीज मुझे आई कि मैं किसी के सामने यानी कि भाव पाना चाहता हूँ, दूसरे से व्यक्ति से भाव मिल जाए उससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मुझे दिखा, जिसमें निरंतरता नहीं, ये भी देख पाया। तो इमेज का डर भी कम हुआ। तो ये अब वर्कशॉप में जाते हैं तो वहां पे अपने में एक मान्यता रहती है, और दूसरी जगह बैठे होते हैं वहां एक मान्यता अलग होती है। तो वर्कशॉप में मैंने देखा कि मैं कभी भी 8 दिन की अगर है या 5 दिन की है तो मेरे में इरिटेशन नहीं आता। तो वहां पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में मैंने मान ही रखा, अभी तो उसको ये कहेंगे मान ही लेता हूँ कि ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो किसी तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वहां पे मेरे में कोई भी इरिटेशन नहीं होता। लेकिन जब हम यहाँ वर्क प्लेस होते हैं, घर में होते हैं, तो बहुत सारी जगह पे ऐसा दिखता है कि हाँ ये लोग इतना समय हो गया, इतना शरीर की एज हो गई है, तो एज के आधार पर कुछ मान्यताएं हैं, तो इन्होंने इतना समझ लेना चाहिए, तो उसके आधार पर मैं व्यवहार करना शुरू कर देता हूँ, तो उसमें गड़बड़ होती है। तो ये दो मान्यताएं को मैं इधर देख पाया और इस पर काम कर रहे हैं, और काफी कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो सेल्फ के बारे में तो मैं इतना बोलूंगा जो भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और इसमें और प्रकृति के बारे में देखें तो प्रकृति से जुड़ाव खड़ा ही है, गाँव से रिलेटेड था, गाँव में ही था, और यहाँ पे आके प्रकृति के साथ उसके संवर्धन के लिए कुछ काम करने का ऐसा बहुत अनुकूलता नहीं मिलती, जगह भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्लान किया, कुछ विचार को दौड़ाया, तो मिला कि अब कि कुछ तो कर ही सकते हैं, कॉलेज हमारे पास है जहाँ पे कुछ कर सकते हैं प्रकृति के लिए, तो जो थोड़ी अनुकूलता है कि वहां पे हम पेड़ों को लगा सकते हैं। तो पिछले कुछ समय से 2-3 साल से जब से मैं यूएसबी से जुड़ा हूँ, तो मैं पौधों को पहले तो अपने गमलों में बड़ा करता हूँ, छोटे से बड़े हो गए, 2 साल 1 साल उसको रखा, फिर उसको जाके वहां रोप देते हैं, और इस तरह से मैंने कॉलेज में अभी लगभग 8 से 10 पौधे लगाए हैं जो अभी तक बढ़िया से ग्रोथ कर रहे हैं, उसमें कुछ तो 5 से 10 फीट ऊंचे हो चुके हैं। तो प्रकृति के साथ मेरी अपनी एक सहअस्तित्व बनाए हुआ है प्रकृति में, उसको लेके उसको बनाए रखने के लिए एक प्रयास इस तरह से रहता है। इसी ड्यूरेशन में कुछ और बात ध्यान में गई, जैसे बहुत सारे कीड़े हैं जिनके लिए बहुत सारा विरोध पहले पनपता था, जैसे टर्माइट है, दीमक, तो दीमक के लिए एक विरोध बना रहता था कि ये सब खा जाती है लकड़ी को और पूरे दरवाजे और सब खराब कर दिए। तो एक ध्यान गया इनके बारे में कि ये टर्माइट ना होता तो लकड़ी का क्या होता,
तो इनके पार्टिसिपेशन को मैं देख पाया कि ये इनका काम है कि इस लकड़ी को जो अब गिर चुकी है, पेड़ नहीं है, उसको मिट्टी में बना देना, मिट्टी के इक्विवेलेंट बना देना, तो ये इसका पार्टिसिपेशन है, तो वो अपना काम कर ही रहे। तो वहां पे एक विरोध उनके प्रति कम हुआ, और बल्कि ना के बराबर ही है, एक पार्टिसिपेशन दिखता है कि नेचुरल है उनका। ऐसे कई चीजों पे ध्यान गया मेरा कि उनका पार्टिसिपेशन है ही, वो प्रकृति में है, तो उनका एक निश्चित भागीदारी है, उस भागीदारी के तहत वो सारा काम करना है, और वो हमारे लिए उतनी उपयोगी है जितना कि बाकी सब चीजें। तो प्रकृति में सहअस्तित्व की बात तो इस तरह से दिखती। और मानवीय आचरण के लिए देखें तो जो वैल्यूज है, मेरी भागीदारी है, उस भागीदारी को मैं करने का प्रयास करता हूँ, और उसी भागीदारी में रह के जीना हो जाए तो उसको ही मानवीय आचरण के रूप में मैंने देखा, तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। अब अगर मैं देखूं कि ये अभ्यास एक और दो में क्या समझ बनी, तो ये काम मुझे थोड़ा टफ लगता है स्वयं को देखना। तो पहले तो कई बार ऐसा हुआ कि हाँ विचार दिख रहे हैं, भाव भी दिख रहे हैं, लेकिन ये स्पष्टता नहीं हो पाती थी। बहुत समय इसमें गया है मेरा, और कई बार तो ऐसा हुआ कि नहीं, ये मेरे को समझ में आने वाली बात नहीं, और इसमें फिर मैंने छोड़ा भी है बीच में, ठीक है अब मैं नहीं करता, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन फिर धीरे से और ज्यादा जब विचारों का बोझ बढ़ जाता है तो फिर लगता है कि चलो कुछ करते हैं। तो इसी प्रयास में अभी जब सेशंस हो रहे थे तो उस सेशन में मैं जुड़ा था, बीच में उस समय के लिए ड्रॉप भी हो गया था, तो वहां से भाव के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट हुआ कि भाव बेसिकली है क्या। तो भाव के रूप, भाव को मैंने देखा कि पहले तो मैं कुछ देखने का प्रयास करता था, आंखों से देखने का प्रयास करता था, तो उसमें बहुत सारा फोकस हो जाता था, और वो फोकस होने से जो विचार चल रहे हैं वो भी बंद हो गए, तो ना तो विचार दिखते थे ना ही भाव दिखते थे। अब जब इसमें देखा कि इच्छा को, इच्छा क्या है या भाव क्या है, तो उसमें चित्रण से मैंने उसको शुरू किया। तो पहले तो चित्रण को मैं देखता था कि आंखों से देखने वाली कोई चीज होगी, उसी को हम चित्रित करते हैं कि एक चित्र जैसा बन जाता है, लेकिन और ध्यान से देखा तो क्लैरिटी हुई कि मैं अपनी भागीदारी को किस रूप में देख रहा हूं। अगर वो भागीदारी होगी तो पूरा हमारा परिवार या समाज कैसा हो, इस तरह से जब दिखा तो लगा कि चित्रण वो नहीं है, चित्रण ये है जिसको हम अपने अंदर एक जो हमारी भागीदारी है उसके ताना बाना के रूप में है। तो वहां से कुछ क्लियरिटी बनी और दिखा कि भाव तो वही है जो मेरी भागीदारी है, तो ये एक बात स्पष्ट हुई मुझे। फिर विचार तो चलते हैं, विचार को दिखता है, लेकिन अभी जो पहले था कि विचार बहुत विरोधात्मक होते थे, तो क्यों विरोधात्मक है उसको नहीं पकड़ पाता था, और बहुत ज्यादा उसमें मेरा ये भी नहीं हो पाता था कि मैं उसको इवैल्यूएट कर पाऊं। लेकिन अब ऐसा होता है कि जो विचार चल रहा है तो विचार पहले ही मुझे दिखता है, बाद में भाव दिखता है, मीन्स इंटरप्रिटेशन ही हो रहा है भाव का। लेकिन इतना हुआ कि विचार से भाव, और फिर उसमें ये इवोल्यूशन हो पाता है कि हाँ ये मेरे लिए सह स्वीकार है या नहीं। तो ये दो चीजें मैं देख पाया, तो भाव तक पहुंचे हैं ये, तो इसमें अब इतना तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस बना है कि हाँ इससे एक्सरसाइज करके मैं आगे और बढ़ सकता हूँ। अगर दूसरी एक्सरसाइज की बात करें तो संवेदना है, उस संवेदना के आधार पर मैं शरीर को पहचानता हूँ, तो ये तो मुझे दिखता है, और लेकिन अभी एक ऑब्स्टेकल बना हुआ है मेरे में कि मैं संवेदना को कहाँ से देख रहा हूँ, तो वो स्पष्टता भी नहीं बन रही। तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं शरीर के अंदर ही हूँ,
और कई बार ऐसा दिखता है कि मैं अपने आप इमेजिनेशन में ही बनाता हूँ, मुझे ऐसा दिखता है कि अभी मैं शरीर के बाहर हूँ और वहां से देख रहा हूँ, लेकिन ये अभी स्पष्टता नहीं हुई, तो इस पे अभी काम जारी है। तो 4 महीने में जो परिवर्तन की बात करें, तो परिवर्तन को मैंने भी पीछे रखा ही था। जिम्मेदारी के रूप में देखें तो यूएचबी से रिलेटेड जो जिम्मेदारियां अभी पहले से मैं निभा रहा हूं, उनको और निभाता ही रहूंगा, उतना तो मैं कर ही पा रहा हूं। साथ साथ में हमारे इंस्टीट्यूट लेवल पे जो काम है उसको और तेजी से हो जाए, उसके लिए प्रयासरत हूं। स्वयं के लिए समय, स्वयं की समझ के लिए कितना समय लगाने की बात है, तो इसमें अभी तो अब ऐसा दिखता है कि बहुत सारा समय जाता ही है। पहले ये होता था स्पेशली इसके लिए बैठना पड़ता था, बट यहाँ पे अभी ये विचार तो हमेशा चलते ही हैं, तो विचार का एवोल्यूशन होता ही रहता है। और स्पेशली जो समय देते हैं वो सुबह को या शाम को कभी, तो इसका बहुत रेगुलर नहीं है, लेकिन कॉलेज में हर जगह पे ये इवोल्यूशन होता रहता है। तो स्वयं के वैभव के रूप में जो जिम्मेदारियां हैं, तो एक तो मैं ये शेयरिंग करने के लिए हमेशा एक बना रहता, तो मैं अपने हॉस्टल में जहाँ बच्चे हैं उनके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो अभी वहां पे थोड़ी अनुकूलता नहीं है कॉलेज में, लेकिन जितना पॉसिबल होता है मैं शेयरिंग करता हूँ। तो इंडक्शन प्रोग्राम हमारे यहाँ जो होता है, इंडक्शन प्रोग्राम में एक थोड़ा लिमिटेशन रहती है, क्योंकि वहां पे जो फर्स्ट ईयर के कोऑर्डिनेटर हैं उनको अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा ठीक से जानकारी भी नहीं है, और उन्होंने उसको एक्सप्लोर भी नहीं किया, शायद वर्कशॉप तो उन्होंने किया था, तो उनका भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता उसके लिए, लेकिन फिर भी बात को शेयर करते हैं वहां पे, जितना समय मिलता है उसमें अपनी बात को ठीक से रखने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरी तरफ से मेरी शेयरिंग थी आज के लिए, धन्यवाद भैया। अभी मैं कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ। भैया ओवर टू यू। जी नमस्ते सभी को। पवनेन्द्र भैया विधिवत चीजों को ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं, और जैसा उन्होंने शेयर भी किया, कभी उत्साह उनका घट भी जाता है फिर उत्साह बढ़ जाता है, तो वो कई बार उनकी भागीदारी में भी हमें दिखता है, परंतु ये है कि उनको ये तो दिख गया है कि यही करना है ना, उसको जब बारीकी से करने जाते हैं कभी स्पष्टता बन पाती कभी स्पष्टता नहीं बन पाती है। तो सुबह के सत्र में भैया अगर जुड़े रहें और अपने आप में ऑब्जर्वेशन करते रहें, तो ये जो भाव को सजगता से देखना है और जो संवेदना को अर्थ देना है, इस पे और गति बनेगी। तो मुझे लगता है अगला जो बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच 8, अगर भैया उसमें पूरे समय जुड़ें और हर दिन 1 घंटा कम से कम अलग से निकाल कर इस अभ्यास को करें, तो काफ़ी क्लैरिटी बनेगी। संभावनाएं काफ़ी हैं। मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जहाँ आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर जो आपके डायरेक्टर हैं उनका भी मन बना हुआ है कि इस काम को करना है, बच्चे भी काफ़ी हैं वहाँ पर, और बहुत मॉडर्निटी का प्रभाव नहीं है उस क्षेत्र में, तो अगर लग के काम किया जाए तो अच्छी संभावना बनेगी। हाँ थोड़ा सा ये हो सकता है कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन का कभी कभी प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, इससे अनुकूलता कभी घट जाती है, और भागीदारी भी आपकी बनी रही है, जो बच्चों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार हुआ MP में, उसमें भैया ने जिम्मेदारी स्वीकारी और उसको ठीक से पूरा भी किया। तो ये तो है कि जिस चीज़ में लग जाते हैं उसको ठीक से पूरा करते हैं, जो स्वयं को ऑब्जर्व करने वाला काम है उसको थोड़ा सा और निष्ठा और जिम्मेदारी पूर्वक करने की जरूरत है। और जहाँ तक नेचर में हारमोनी के लिए कंट्रीब्यूट करने की बात है, तो मुझे कल ही सूचना मिली कि मुरादाबाद में वाटरशेड मैनेजमेंट या वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर काफ़ी अच्छा काम हुआ है। आप थोड़ा उसको स्टडी करें और देखें कि कैसे उसको और विधिवत आप सीख सकते हैं, और यदि उस पर कुछ आप रिपोर्ट बनाए और प्रस्तुत करें तो अन्य शहरों के लिए भी एक उपयोगी सूचना का वो स्रोत होगा, तो उसको भी आप टेकअप कर सकते हैं। कॉलेज में भी इस पर कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं, क्योंकि आपके शहर में ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और वो पूरे देश और विश्व में भी उसकी सूचना जा रही है।